दर्दनाक हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद कार में लगी आग, 3 लोगों की मौत। जनजातीय जिला किन्नौर के भावा वैली के संपर्क मार्ग स्थित पठानकोट मोड़ पर एक ऑल्टो 800 कार भावा खड्ड में 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में 3 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। वाहन में अभी टेम्परेरी नंबर ही लगा हुआ था। दुर्घटना होने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस व जिला प्रशासन सहित ग्रामीणों की सहायता से शवों को खाई से निकाल लिया गया है। हादसे में मारे गए लोग बाबू राम पुत्र भूप सिंह सहित सुनील व कुंदन जो नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन में आग लगने के कारण शव भी जल गए हैं, लेकिन शवों की पहचान कर ली गई है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द घोषित होगा 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षा का परिणाम, तैयारियां पूरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 12वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होगा। इसके लिए बोर्ड तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। शिक्षा बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpboss.org पर परिणाम जारी करेगा। इस बार 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षा में 87,872 विद्यार्थी बैठे थे। कोविड-19 नियमों की पालना के साथ 10वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाएं 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं कक्षा परीक्षाएं 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। फर्स्ट टर्म परीक्षा की कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। मेरिट लिस्ट सेकंड टर्म की परीक्षाओं के बाद कंपाइल रिजल्ट निकाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश ठेकेदार आज से हड़ताल पर, विकास कार्य हुए ठप। हिमाचल प्रदेश में डब्ल्यू फॉर्म और जीएसटी की राशि का भुगतान न होने से ठेकेदार ने हड़ताल पर चले गए हैं। इससे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। ठेकेदार टेंडर में भाग नहीं लेंगे। जो भी कार्य चल रहे हैं उन सभी को बंद करने का फैसला लिया गया है। ठेकेदारों ने सुबह लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे गए। कुल्लू में ठेकेदारों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने काम बंद कर एडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन का आरोप है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वार्तालाप के बाद भी मामला नहीं सुलझाया गया है। ठेकेदार के सभी यूनियनें इस मामले को लेकर एक हो गई हैं। ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नरवाल समेत नगर निगम ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष पीएन शर्मा ने भी हड़ताल का समर्थन किया है।